क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला, नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ ओजोन, ठीक है। मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय एट मॉलिक्यूलर वेट, O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कर रहा है तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, नॉट पॉसिबल,
वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट. नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर इनवर्स रिलेशन शो करता है वॉल्यूम के साथ. हाँ, टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रोवाइडेड वॉल्यूम कॉन्स्टेंट. तो ये कौन सा हो जाएगा? ये लूसेक लॉ. याद है कोई स्टेटमेंट है ये ना, पी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये तो गेट कहता है, क्या कहता है, ये लूसेक लॉ. ठीक है, चलो. मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राई गैस कलेक्टेड ओवर अ वाटर फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ अ मॉइस्ट गैस इज बेस्ड ऑन डैंटन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 11, द आइडियल गैस इक्वेशन, द गैस कांस्टेंट आर हैज द यूनिट लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन जूल इज, क्या होगा? 8.314. ठीक है, ठीक है. फॉर आइडियल गैस इक्वेशन PV बाय nRT, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर वेरिएशन वॉल्यूम एंड टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब चार्ल्स लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो ग्राफ कैसा रहेगा? कैसा रहेगा समझना है. क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है. देखो पेपर बहुत इजी था, और ऐसा पेपर मेंस में भी नहीं है. ये पेपर जो है मेंस में भी नहीं आने वाला है. इसका भी अगर मार्क्स नहीं आ रहे, इस पेपर साथ में लॉकडाउन में खाली शरीर बनाया, दिमाग नहीं बनाया, है ना, खाया पिया सोया. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेक्टली द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस विद चेंजेस इन टेंपरेचर. देखो आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या होता था, डी इक्वल टू पीएम बाय आरटी, आया ना. अब किसी भी गैस के लिए एम और आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसका मतलब डेंसिटी क्या होगा, पी बाय टी के बराबर होगा, आया ना. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं d1 इक्वल टू प्रेशर p1 बाय t1, p1 टेम्परेचर, p1 प्रेशर पे, t1 टेम्परेचर पे डेंसिटी t1 है. तो d2 पे क्या हो जाएगा मेरा, p2 बाय t2, दोनों को डिवाइड करो, d1 बाय t2 मेरा क्या देगा, p1 बाय t1 तो एज इट इज था, तो ऊपर क्या चला जाएगा, p2 बाय p2. तो d2 मेरा क्या हो जाएगा, d2 उधर ले जाओ तो ये उधर चला जाएगा, p1 p2 बाय p1. क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S2O8-2- कितना होगा? S2, क्वेश्चन नंबर 16, S2O8-2- सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए सर? बड़ा बहुत रेडॉक्स पढ़े भी नहीं पढ़े, ये सब सपाट है. There are 2x plus 8 into oxygen का कितना होगा? -2 is equal to कितना? -2 neutral molecule नहीं है, तो total charge हमेशा बराबर होगा. तो 2x minus 16 equal to क्या? -2. तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? कितना? Plus 14. x बराबर कितना आना है? Plus 7. सल्फर का plus 7 हो सकता है क्या? क्या सल्फर प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? हाँ, कर सकता ना, तुम लोग कुछ भी करवा सकते हो. अरे ग्रुप 16 का है, पीरियोडिक टेबल पढ़े हो ना, ग्रुप 16 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, ग्रुप 16 में कौन सा एलिमेंट्स होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम होता है ना. तो ग्रुप 16 का मतलब उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? प्लस 6. ये कितना प्लस 7. क्या पॉसिबल है? नहीं. इसका मतलब ये किससे बनेगा? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड पढ़ाया था मैंने, ये टॉपिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड, उसी का क्वेश्चन है. S2 है,
लिंकेज यहाँ पे माइनस वन हो जाता है यहाँ पे प्लस टू यहाँ पे माइनस टू फिर इसका प्लस टू इसका माइनस टू इस वजह से प्लस टू यहाँ माइनस वन तो प्लस वन यहाँ माइनस वन इधर प्लस वन प्लस सिक्स थोड़ा प्लीज रिवाइज करिए क्वेश्चन नंबर 18 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीआर इन दिस सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगा देखो Na2S4O6 में प्लस 5 होता है H2Cl2 में प्लस 1 होगा एसिड में 0 होगा ऑप्शन सी में H2SO4 में कितना होगा प्लस 6 तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीआर CO4 6 कितना होगा ये इस तरह का आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ था इसका प्लस 6 होगा सीआर CO6 ये इधर चला जाएगा कितना होगा सीआर का प्लस 6 होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 कितना होगा माइनस वन एक्स अच्छा है परऑक्साइड होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 20 Zn प्लस PbCl2 टेंस टू बी Pb प्लस ZnCl2 मंजे Zn देखो जीरो स्टेट से कहाँ चला गया प्लस टू मतलब खुद क्या हो रहा ऑक्सीडाइज दूसरे को क्या कर रहा है रिड्यूस दैट्स इटमीन्स इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्वेश्चन नंबर 21 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन BaH2PO2 BaH2PO2 राइट ठीक है ये वाला चाहे तो चला जाएगा Ba+2H2PO2- ठीक है मुझे इसका निकालना है इसका कितना हो जाएगा प्लस टू प्लस एक्स माइनस ऑक्सीजन का फोर इक्वल टू माइनस वन तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस इसका उसका कितना होगा प्लस वन आंसर वन है भी ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 283 ml इफ इट इज हीटेड टू 20 डिग्री सेल्सियस कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट द न्यू वॉल्यूम विल बी मतलब क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर मतलब कौन सा 400 T1 by T1 V2 by T2 ठीक है 10 डिग्री सेल्सियस है 10 डिग्री सेल्सियस है मतलब कितना होगा 10 डिग्री मतलब कितना तो 83 गॉड क्योंकि मैंने आपको बताया था वॉल्यूम हमेशा के सॉरी टेंपरेचर हमेशा किस में लिया जाता है कैल्विन में सॉरी 10 by 283 और V2 निकालना मुझे कितने पे तो 93 पे दिया जाएगा सॉरी 20 पे बाय T2 क्या T2 टेम्परेचर नहीं आ जाएगा यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा आ जाएगा ना अभी कैलकुलेशन ही करता है 93 इसका आंसर है ठीक है 56 ग्राम ऑफ N2 आर मिक्स विद 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड द प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग गैसेस मिक्सचर इज N3 atm द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 तो इसने आसान क्वेश्चन था बेटा टोटल प्रेशर उसने गैसेस मिक्सचर का कितना दिया हुआ 3 atm कितना दिया हुआ 3 atm तो मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ N2 लाइक मैं निकाल दूं 56 by 28 मतलब कितना तो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा व्हाट इज द मोल्स ऑफ CO2 कितना 44 by 44 कितना पर अगर मैं इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल्स जो 2 by 3 हो जाएगा ये और मोल्स ऑफ CO2 का मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 1 by 3 हो जाएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की मैं बात करूं तो पार्शियल प्रेशर कौन सा क्या होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मतलब 3 × 2 / 3 ठीक है सर मैं क्वेश्चन नंबर 24 द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ O2 एट 800 केल्विन ठीक है अगेन इजी क्वेश्चन है ये ठीक है रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है व्हाट इज द फार्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी व्हाट इज द फार्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी
अंडर रूट 3 RT बाय एम, ये होता है। उसने मेरे से क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 3 R, टेम्परेचर कितना 15 बाय कितना 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा 3 R × 800 डिवाइडेड बाय 32, बराबर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 16 5 और 16 2, क्या ये दोनों एक जैसा नंबर नहीं दिख रहा था आपको, कितना रेशियो आएगा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, द रूट मीन स्क्वायर ऑफ डेंसिटी ऑफ एसिड टू गैस बिकम सेम एज दैट ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस बट टेंपरेचर, दोनों का टेंपरेचर क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, राइट। इसका Vrms ऑफ SO2 किसके बराबर है, Vrms ऑफ CH4, मतलब क्या होगा, अंडर रूट 3 R, टेंपरेचर कितना दिया हुआ है इसका, क्लियर आया ना, ठीक है, बाकी